न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 500 रुपए मांगे नहीं मिलने पर ब्लेड से काटा गला, हफ्ते भर में ठीक हो रहे ओमिक्रॉन के मरीज, कम नहीं हो रहे सब्जियों के दाम। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजस्थान अजमेर के रेलवे स्टेशन के बाहर ब्यावर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे युवक से एक युवक ने जबरन 500 रुपए की वसूली करने का प्रयास किया और पैसे नहीं देने पर मारपीट कर गले पर ब्लेड से वार कर उसे घायल कर दिया। वहां मौजूद टेम्पो चालकों ने बीच बचाव कर छुड़ाया। बाद में क्लॉक टावर थाने पहुंचकर शिकायत दी। घायल युवक का जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में उपचार कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ब्यावर निवासी किशन लाल ने बताया कि वह अजमेर में रेलवे स्टेशन के सामने होटल में काम करता है और रात को लेट हो गया तो यहीं सामने बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा था। इस दौरान एक युवक आया और उसने 500 रुपए की मांग करने लगा। जब नहीं दिए तो मारपीट करने लग गया। बाद में छीना झपटी में आरोपी युवक ने उसके गले पर ब्लेड से वार कर उसे जख्मी कर दिया। इस दौरान वहां खड़े टेम्पो चालक वहां आ गया और बीच बचाव कर उसे छुड़ाया। आरोपी युवक भाग निकला। अगली खबर, दिल्ली में ओमिक्रॉन जंगल की आग की तरह फैल रहा है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन खुशी की बात यह है कि कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट से संक्रमित होने वाले ज्यादातर मरीज सप्ताह भर में ठीक हो रहे हैं। यह 105 ओमिक्रॉन मरीजों की केस हिस्ट्री के विश्लेषण में साबित हुआ है। इन मरीजों में 7 बच्चे भी थे। डॉक्टरों के अनुसार ओमिक्रॉन से संक्रमित करीब 99% मरीज हफ्ता भर में ही चंगे हो गए। यह वेरिएंट बहुत तेज रफ्तार से फैल रहा है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले यह शरीर को बहुत तेजी से छोड़ भी देता है। अगली खबर, जिले में गांवों से लेकर शहरों तक सब्जी भाजी के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल डीजल गैस के साथ ही अब सब्जी भाजी भी महंगी हो गई है। सब्जियों के दाम कम नहीं हो रहे हैं, फुटकर और थोक के भाव में 2 गुना अंतर है। मंडी में टमाटर 60 रुपए किलो में मिल रहा है, लेकिन फुटकर में 100 रुपए से कम रेट नहीं है। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबरों को यहीं विराम देते हैं। बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।